बिरौल अनुमंडल क्षेत्र में बाढ़ का पानी लगातार दूसरी बार बढ़ रहा है। कमला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं लधो गांव में बाढ़ के पानी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। गांव में हर साल ग्रामीणों के द्वारा लाखों रुपए खर्च कर लधो नुनिया घाट पर लंबे चचरी पुल का निर्माण किया जाता है और उस इलाके के लिए ये चचरी पुल वरदान साबित होता है। लगभग 40,000 लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन हर साल ग्रामीणों के लाखों रुपए से बना पुल पानी के बढ़ते ही बह जाता है। ऐसे में जो बिरौल मुख्यालय का इस चचरी पुल के रहने से जहां 4 किलोमीटर ही तय करना पड़ता है, वहीं इस पुल के टूट जाने से 17 किलोमीटर दूरी गाड़ी से आने जाने को मजबूर होते हैं इलाके के लोग। हर बार इलाके के लोग यहाँ पर एक अस्थायी पुल की मांग करते हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण आज तक आजादी के बाद इलाके के लोगों को नहीं मिल पाया, जिसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा सकती है। वहां के छात्र के साथ स्थानीय लोगों ने बताया कि लधो के लाखों रुपए से बना पुल क्षतिग्रस्त होने से परेशानी बढ़ गई है। बहुत दिनों के बाद स्कूल खुले हैं, ऐसे में जो दूरी 4 किलोमीटर में तय किया जा सकता था, वो 17 किलोमीटर साइकिल या बस से घूमकर आना पड़ता है। कुछ छात्रों ने तो अब अस्थायी किराए पर ही बिरौल मुख्यालय में मकान ले लिया है। ऐसे में अस्थायी लोगों की मांग है कि जल्द वाहन सरकार पुल दे, जिससे छात्रों के साथ स्थानीय लोगों को काम आवाजाही मुख्यालय से सुलभ हो सके। पुल बन जाता है तो हमारे लिए सुविधा होगा कि हमारा कोचिंग का डिस्टेंस कम हो जाएगा, 4 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। लेकिन अभी हो क्या रहा है, पुल बना हुआ नहीं है तो लगभग 15-15 किलोमीटर 30 किलोमीटर आना जाना हो जाता है। तो साइकिल से तो हम लोग 30 किलोमीटर आ जा सकते नहीं हैं, तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पे रूम ले लिए हैं, बगल में कोचिंग के बगल में रूम ले के रहते हैं। लेकिन देख सकते हैं आप, अभी भी पानी आया हुआ है। पहले भी कोरोना काल हमारा पढ़ाई का काफ़ी व्यस्त रहा, बिजी रहा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में खुला है तो पानी के कारण फिर से हमारा मतलब पढ़ाई बर्बाद हो रहा है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द पुल बन जाए। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।